वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है द कोरोना वायरस इज द वंडर ऑफ अल्लाह मौलाना तारिक जमील बयान। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है, वो कहते हैं कि हमारे बुरे आमाल के नतीजे में है। चीन से वबा फैली और चीन इस वक्त दुनियावी लिहाज से जितनी उस पर खुदा की नेमतें हैं वो सब आपके सामने हैं, और उसके बाद फिर मुसलमान ममालिक भी इसकी लपेट में आ गए हैं। तो ये जो वबाई अमराज होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब होते हैं या आजमाइश होती है, या इनको सिर्फ साइंसी नुक्ता निगाह से देखना चाहिए कि एक बायोलॉजिकल मर्ज़ है, इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? देखिए, अल्लाह के जो 99 नाम आते हैं ना हदीस पाक में और कुरान में, पहले दो सफ़ों पे लिखे होते हैं, अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल-मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मैं अपने बयान में सुनाता रहता हूँ। इन 99 नामों में एक नाम है ग़ज़ब का इजहार करता है और उसके पकड़ का इजहार करता है, वो है अल-मुंतकिम। और बाकी 98 नाम उसकी बादशाही, उसके ख़जाने, उसकी रहमत, उसकी महब्बत, उसका माफ़ करना, उसकी ताकत, उसकी बुलंदी, उसकी वसअत, उसकी शहनशाही को बयान करते हैं। बेशक अल्लाह ने कौमों पे अजाब भेजा, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता भी है कि फकुल्लन अखदना हम बेज़म्बेहिम। और अल्लाह की ये पिछली कौमों में सुन्नत रही है, लेकिन हम इसको बतौर मुसलमान मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे गुनाहों की माफ़ी का एक अल्लाह ताला ने सबब बनाया है कि हम सारे तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला के नबी ने दुआ मांगी हुई है कि या अल्लाह, मेरी उम्मत पर कोई ऐसी आफत ना आए जो इन सब को मिटा दे। तो अल्लाह ने फरमाया था कि हमने कबूल किया। तो आफत तो है, लेकिन इसमें भी रहमत छुपी हुई है कि अगर हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें, तो फिर ये रहमत है। और अगर इसमें भी हम गाफिल रहें और गुनाहों में मस्त रहें, तो फिर ये हमारे लिए आफत है और इब्तिला है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में, छाँव में रखे और हमें गुनाहों वाली ज़िंदगी से तौबा की तौफीक दे। भाई, जो मतलब कि ये जो वीडियो में जो बताया गया, जो कोरोना वायरस जो चीन से फैला गया है, मतलब इस वीडियो में भी बताया गया, मतलब कि इसमें कि ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को, मतलब इसमें मुस्लिम धर्म नहीं है, मतलब कि सारे धर्मों के लोगों को ये किसी ने वायरस नहीं, किसी तो भेदभाव नहीं करा है। मतलब जो भी, मतलब कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मतलब सबको इसने मतलब कि पकड़ रख, मतलब कि अपना वो मतलब कि पकड़ रखा है इसने। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जो भी, अगर हम एक साल का रिकॉर्ड देखें तो ये नहीं कि बस ये बस खाली एक ही कंट्री को उसने इफेक्ट करा है। अगर हम देखे जाए तो मतलब अगर रिकॉर्ड उठा के देखें हम पिछले साल के, तो मतलब कम से कम 4-5 कंट्री तो इतने, मतलब इसकी मतलब ये है कि वहाँ पे तो मतलब पैंडेमिक वो यूज़ कर रहा है, मतलब कि इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, मतलब जो केसेस थे वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब कोई और इसका कोई मतलब मेडिसिन को, मतलब कोई वो भी नहीं था, उपाय भी था कि भाई इसको भाई दवाई दवाई देखे भाई इसका सोल्यूशन निकल जाए। और मतलब कि इस वायरस से बचने का एक तरीका था कि आप मास्क पहने और 1 फुट की मतलब जो भी है 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, और अपने भगवान पे सबसे मेन बात थी अपने भगवान पे भरोसा रखें। हाँ। मतलब कि ये भरोसा कभी खोए ना, अपनी सेफ्टी भी इसमें मेन थी। और ये मतलब कि इसमें ना इस वायरस में कि ना अमीर गरीब किसी को नहीं देखा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इतने महान महान लोग भी अभी हमने न्यूज़ में सुनने बैठे, महान लोग कोरोना वायरस की वजह से मर गए हैं। मतलब कि उनकी पूरी लाइफ पड़ी थी और कोरोना वायरस की मतलब लापरवाही के कारण मर चुके हैं। काफ़ी दुखदाई था, मतलब इस वायरस ने बहुत दुख भी दिया है।
हाँ, और अगर इस वीडियो की बात करें तो इन्होंने जो मतलब स्टार्टिंग में जो लेडी ने पूछा, मतलब जो तारिक जमील जी ने है, इनको अच्छा बयान दिया है वैसे एक तरह से, है ना। हाँ, इन्होंने भी बताया कि बाप ने भगवान पर भरोसा रखा, वो जब हाँ वो अपना वो कायम दिखाएगा, मतलब कि वो रहा भी देगा सब कुछ, राहत भी देगा, ये सब हाँ इस वीडियो में ये भी बताया गया, ये बात भी बताई गई है। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।